ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 12। अभी कोई नवीनता हो, कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि यह कर सकते हैं, क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफ़ी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण देते हैं, नहीं खुद उमंगावे मुझे यह करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकेंड में वेस्ट को खत्म कर वेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाए। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू शुरू में स्थापना के समय में ब्रह्मा बाप का मनसा वाइब्रेशन कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा, आवाज़ गया, कोई आया है, जाओ, ऐसे बेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नज़दीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, शॉर्ट। जो भी कारोबार की बातें करनी तो पड़ती है, लेकिन जहाँ तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं, वह ऐसा तीर लगाते जो पंछी तीर सहित आके पाँव में पड़ता। यह मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है। अभी मनसा स्वयं की पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आएगी, लेकिन समय फास्ट है। अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है, क्योंकि ड्रामा में कोई कोई आत्मा को अचानक और एवर रेडी का पार्ट पक्का कराना है। देखो, जब चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा तो कुछ समय वह लहर अच्छी रही, सभी अचानक के पाठ में पक्के रहे, फिर धीरे धीरे हल्का हो गया। फिर यह जो ड्रामा में पाठ हुआ, यह वायुमंडल में अचानक और एवर रेडी का पाठ फिर से पक्का कराने के निमित्त बने। यह भी समय सभी को अटेंशन खिंचाने के लिए निमित्त बनता है। सभी थोड़ा थोड़ा अभी समझते हैं, अभी तो टाइम पड़ा है, यह लहर अभी होनी नहीं चाहिए, एवर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत काल का भी अटेंशन रहना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 2007। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप पूछते हैं बच्चों से कि आप बताओ, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की समय प्रमाण अभी हर बच्चों के प्रति चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं
लेकिन नंबर वार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ सदा, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा, अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा, मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है, क्योंकि अभी समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा, और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े झोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है। आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारे निर्वाण में जा नहीं सकेगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना, गेट की सेरेमनी करेंगे ना, अभी डेट बनाना आपस में। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल का जमा नहीं होगा, और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का जब मेरा बाबा कहा तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे, उनका अधिकार कम नहीं होना चाहिए। बहुत काल ज़रूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में नहीं उलहना देना, तो हमें तो याद ही नहीं था बहुत काल। 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हैं। चाहते नहीं हैं, हो जाता है। यह क्या है? बहुत काल का प्रभाव है। इसलिए बाप दादा हर एक प्यारे से प्यारे बच्चों को यही कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो क्या करेंगे दादी, सुनाओ क्या करेंगे, करके दिखाएंगे।
करके ही दिखाना है। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि आप द्वारा होना है ना, तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। बाप दादा ने सुना कि मेजॉरिटी सभी तरफ अभी एक दो का उमंग लग रहा है कि हर एक अपने एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हो, उलहना उतार रहे हो अपना। यह उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है और औरों में खुशी की लहर फैलाता है। दुखी आत्माओं को जैसे कोई डूबे हुए को पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है ना, ऐसे दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन से जो दुआएं निकलती है वह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। यह गुह्य हिसाब है, जितनों को जो प्राप्ति होती है आपके खाते में वो प्राप्ति जमा हो जाती है। स्व की सेवा में क्या सुनाया? तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी सभी है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वह किया, बाप ने कहा बच्चों ने किया, यही आपके जगदम्बा की युक्ति थी। नंबर वन हो गई। चेक करो रात को, चलते फिरते भी जो बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, वह किया। जो बाप ने कहा वो करना ही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 मार्च 2007। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन। पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियाँ बाप दादा ने पहले भी सुनाई थी। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे न करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी, साकार में भी देखा, बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हरेक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, यह रिजल्ट पहले देखेंगे।
क्या सोचते हो? ऐसा करे? करे? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। तो अगले सीजन में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे। हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। यह है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। आगे के लिए, स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाओ, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जाए, नहीं तो आपको बहुत उलहने मिलेंगे। हमारा बाबा आया और हमें सूचना नहीं दी। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन होता है, हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का तो पूरा किया। क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उलहना अच्छा नहीं लगता। अभी पक्का, कुछ भी हो जाए, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना। मुझे करना है, मुझे बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं? नहीं, ऐसे करेंगे? अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वह जिम्मेवार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है बैलेंस रखने और रखाने के। बस दिल से याद करो, कोई भी छोटी मोटी बात आवे, मेरा बाबा, बस बाबा आप ले लो, तो प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। बाप के साथ चलना है ना, पीछे पीछे तो नहीं आना है, साथ साथ चलना है तो उड़ना पड़ेगा। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे? साथ तो चल नहीं सकेंगे। इसलिए डबल लाइट, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, जो बोझ हो बाप को दे दो, खुद हल्के रहो। देना तो आता है ना, प्रॉब्लम नहीं देखो, डबल लाइट बन के आगे बढ़ते रहो। इसके दादी जानकी के डायरेक्शन से चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 सितंबर 2007। दादी जी की पधरामणी, दादी गुलजार जी के तन में। दादी जी बोली, सदा एक दो को सम्मान देते हुए श्रेष्ठ स्वमान में रहते स्वयं को और विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाते रहना। सर्व से स्नेही बनने का रूप प्रत्यक्ष करना। दुनिया में भी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार, तो प्यारे रहना और सर्व को आत्मिक प्यार की अंजलि देते रहना। यही हमारी याद है। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 6 सितंबर 2007। दादी की प्रत्यक्षता द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बाप दादा की प्रत्यक्षता का फास्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आरंभ हुआ है। यह कौन है? यह आध्यात्मिक विद्यालय क्या है? सबकी दृष्टि में, मन में, दिल में क्वेश्चन मार्क के रूप में उत्पन्न हुआ है। पहले क्या है, क्या है, यह क्वेश्चन होता
फिर यह है का उत्तर सामने आएगा। अब आप सबको प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर इस प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराना है। दादी ने प्रत्यक्षता के झंडे का, प्रत्यक्षता के पर्दे का स्विच ऑन करने के लिए बटन हाथ में पकड़ा है, तो आप सब साथी होना। बहुत प्यार है ना दादी से, तो जैसे दादी स्व इच्छा से एवरेडी नष्टो मोहा बन गई, अचानक के पाठ में पास हो गई। यह अंतिम पाठ का आप स्नेही प्रेमी आत्माओं को भी इशारा देकर गई। अब आप अपने लिए सोचो, जो दादी ने प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन हाथ में उठाया है, उस पार्ट में हमें कैसे सहयोगी बनना है। बटन खोलने में देरी नहीं लगेगी, लेकिन प्रत्यक्षता के झंडे को ऊंचा लहराने वाले को प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने के पहले विशेष पार्टधारी साथी एवर रेडी है। अब यह नहीं समझो कि हम सेंटर निवासी, मधुबन निवासी, हद के सेवाधारी है, नहीं, लेकिन विश्व की स्टेज के विशेष पार्टधारी है। सारे विश्व की नज़र अब दादी की प्रत्यक्षता के साथ आपके सबके तरफ है। विश्व की नज़र जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, छोटा है, बड़ा है, किसी भी कार्य के अर्थ निमित्त है, चाहे छोटे कार्य के भी निमित्त है, लेकिन एक एक के ऊपर विश्व के आत्माओं की नज़र आपके ऊपर है। दादी कहती है, कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं, अब प्रत्यक्षता का झंडा ऊंचा करने वाले ऊंची स्थिति का अपना संपन्न स्वरूप दिखाओ। उसके लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना, शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा, आप पूछना मेरी इस बात को, मेरे समान बनने के लिए तैयार है। दादी ने इतनों को चला के दिखाया, कितने वर्ष, एक दो वर्ष नहीं, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे कर्मणा वाले चाहे भाषण वाले, चाहे जोन वाले, चाहे दादियाँ, दादाओं को भी। निर्मोही बन गए ना, लास्ट में किसी को याद किया? किसके मन की स्थिति भी रियल क्या है, वह भी सभी का चक्कर लगा के नोट किया है। कहती थी कि मैं आकर सुनाऊंगी, जितना भी कोई छिपावे ना, वतन में छिप नहीं सकता, वहाँ का यंत्र रूहानी यंत्र है। वह दिन अब समीप लाना है, समय आने पर नहीं, समय को आपको समीप लाना है। तो ऐसे स्वपरिवर्तक दृढ़ संकल्प द्वारी बच्चा बनना है। तीन शब्द दादी के सदा याद करना, निमित, निर्माण और निर्मल वाणी। हर कार्य शुरू करने के पहले यह याद करना, फिर कार्य शुरू करना, तो बहुत जल्दी दादी के समान, सहज समान बन जाएंगे। अब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा, एक एक एक्टिविटी तरफ खुली नज़र हो गई है। उल्टे वाले उल्टा देखेंगे, सुलटे वाले सुलटा देखेंगे, लेकिन विशेष नज़र पड़ गई तो उसी अनुसार आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि दादी ने विश्व की नज़र में लाया है। एक पहले जो प्रेसिडेंट बननी थी, उसके कारण सबकी नज़र में आया, और फिर दादी के कारण ज़्यादा नज़र में आया, तो सबकी नज़र अभी विशेष इस विद्यालय की तरफ है, इसलिए अंडरलाइन। ऐसे आप निमित्त हो तो निमित्त को, दादी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है ना, नंबरवार है ना, सहयोग दो, शक्ति दो, रहम करो, आत्मिक प्यार दो,
क्योंकि सबकी नज़र अभी देश विदेश की निमित्त आत्माओं पर है, क्योंकि यह मीडिया ने चारों ओर स्पष्ट कर लिया है, अभी सबकी नज़र है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और ही ज़्यादा सोचेंगे क्या है, कैसा है। इसलिए किले को मजबूत करना, सभी को समझना चाहिए मैं निमित्त हूँ, वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मैं निमित्त हूँ, दूसरे नहीं, दूसरे तो नंबर वार है, आप तो निमित्त हो। तो दादी ने कहा, मैं बाबा के राज को समझ गई हूँ, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2007। 6 मास अभी स्व सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं, तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे। बाप दादा, अभी समय की समेतता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं, जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है, क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो आप संगम पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना, तो चेक करो सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुई है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए। अभी 6 मास बाप दादा देते हैं, क्योंकि अभी सीजन तो शुरू होनी ही है, तो 6 मास ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयं को भी स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा, स्व सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। तो 6 मास अभी स्व सेवा के प्रति खास समय दे रहे हैं। बाप दादा ने कितने समय से 2 शब्द बार बार रिवाइज कराए हैं, वह 2 शब्द कौन से हैं, अचानक और एवर रेडी। तो दादी कहते हो, याद आती है ना, आनी ही चाहिए, क्योंकि नंबर 1 थी ना, तो 1 नंबर ने विन तो किया ना, लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चित्र नहीं देखना, लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवर रेडी हूँ, मुझे भी अचानक का पाठ याद है। अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊँ तो नष्टो मोहा प्रकृति जीत हूँ, यही दादी की सौगात सब अपने पास रखो। अच्छा है, यह परमात्मा प्यार बहुत पुरुषार्थ में सहयोग देता है, तो हर एक बच्चा प्यारा है, प्यारे रहेंगे और प्यार के झूले में झूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे। वह भी टाइम आ जाएगा जो सब साथ चलेंगे, साथ चलने वाले होना, पीछे पीछे नहीं आना, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा है हाथ में हाथ, साथ में साथ। हाथ है श्रीमत, श्रीमत बुद्धि में होगी, आत्मा परमात्मा का साथ होगा और घर चलेंगी। चलने वाले होना सभी, रह नहीं जाना। अभी भी साथ है, चाहे किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे
और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। पक्का वायदा है ना? बीच में नहीं रह जाना। कोई कस्टम की चीज होगी तो रुक जाएगी। रावण की चीज हुई ना कस्टम। कोई भी रावण का संस्कार स्वभाव वह धर्मराज पूरी कस्टम में फंसा देगी और बाप के साथ चले जाएंगे। और कोई अगर होगा तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब वायदा है साथ का तो सदा साथ रहना। दादी जानकी से, बैठो, अभी तो सीट पर सेट होना। बाप दादा ने निमित्त बनाया है इस बच्ची को, गुलजार दादी को भी निमित्त बनाया है। दोनों तीनों मिलकर बहुत अच्छी रीति से स्वपुरुषार्थ और विश्व सेवा में और विधि से सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बनेगी। जो दादी का संकल्प रहा है बाप को प्रत्यक्ष करने का, दादी ने भी बटन तो हाथ में लिया है, लेकिन दबाएंगे तो आप ना, आप ही दबाएंगे ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 अक्टूबर 2007। अभी बाप दादा ने होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क याद है तो यह दुआ देना, दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। तो जिन्होंने भी किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। किया है और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव मिलाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अच्छा है, यह सभी बहुत अच्छे फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे, बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बनके सेवा में और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। इस ईश्वरीय नॉलेज की प्रोपोगंडा अब विदेश में भी निमित्त बनके कर रहे हो, अभी वहाँ भी आवाज फैल रहा है, अच्छी तरह से फैल रहा है। और ड्रामा अनुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो गया है। दादी ने नाम प्रत्यक्ष किया। नाम और काम दो चीज़ होती है, तो दादी ने नाम बहुत अच्छा फैलाया। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना यह काम आपका है। पहले तो कोई मुश्किल से आता था और अभी खुद कहते हैं हम भी आने चाहते हैं। फर्क हो गया ना? अभी खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। तो अभी आँख खुलने शुरू हो गई है, धीरे धीरे आँख खुल जाएगी। सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरीय नशे में रहने वाले उड़ने वाले हैं। चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाले बनना। डबल लाइट। अभी एक बात चाहिए, सुनाए क्या? एक बात, जैसे सेवा में कार्य में हर डिपार्टमेंट हर वर्ग हर सेंटर हर जोन सेवा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता है एकता और इकोनॉमी की।
यह दो चीजें सम्मान देना और सम्मान लेना। तो दो अक्षर याद रखना, एकता और इकोनॉमी। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह, सहयोग, हिम्मत फैलाएगा। सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 2007। बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? अच्छा, डेट फिक्स की है? कितना टाइम चाहिए? बाप दादा ने कहा था, हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा, होना तो है ही नहीं, करना ही है, उड़ना ही है, बाप समान बनना ही है। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। अभी समय तीव्र समीप आ रहा है, समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिल कर के कहें, हम सब एक बाप के एक है, इस विश्व की स्टेज पर एक है, एक मत है, एक के ही है, यह आवाज फैले। गरीबी बढ़ती जाती है और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं। जो भी आप निमित्त हैं, उन्हों को विशेष इस समय यह अटेंशन रखना है कि संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन संतुष्ट रहे, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहना। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो, क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं, लेकिन उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। बाकी विशेषता सब में है। छोटे से छोटा जो प्यादे में प्यादा है ना, उसमें भी विशेषता है। इसलिए संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे 12 है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एकमत हो। स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए, मिलाने की कोशिश करो। जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता
सबको अपनापन दिया, अपनापन महसूस हो। ऐसे नहीं, यह तो पता नहीं कौन है, क्या है, एक परिवार है ना, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। ओम शांति।